हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के जो वीडियो का थंबनेल आपको देख के पता चल ही गया होगा कि जो मैंने अपनी गाड़ी में इसमें भारतीय बलेनो सिग्मा मॉडल में जो मैंने मॉडिफिकेशंस कराई हैं उसी के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको जो है अपनी दिखाऊं कि मॉडिफिकेशन, तो ये है वो मेरी चाबी, जिसमें कि ये सिग्मा मॉडल है। इसमें उस समय जो है सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती थी, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग होती थी। तो मैंने इसमें रिमोट डलवाया था, ये जो कि मुझे 5700 के आसपास का पड़ा था। दूसरा जो है इसमें मॉडिफिकेशन है मेरा जो है ये व्हील कवर, क्योंकि इसके टायर जो है सिर्फ रिम के साथ आते थे, कोई व्हील कवर नहीं आता उसमें। तो बिना व्हील कवर के जो है नंगा नंगा सेट लगता है टायर। तो इसके लिए जो है मैंने इसमें चारों में व्हील कवर चढ़वाए थे, जो कि 499 का मुझे एक टायर का पड़ा था, तो 200 रुपये का आसपास चारों टायर का हो गया। उसके बाद आता है ये जो है मेरा मड फ्लैप। तो भाई मड फ्लैप जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी चलती है डस्ट चढ़ के यहाँ तक आ जाती है, आप अगर ये नहीं लगवाते तो बम्पर आपका गंदा हो जाता है। तो इसके लिए मड फ्लैप मैंने इसमें डलवाया था, ये मुझे 400 रुपये के चार पड़े थे। तो अगली मॉडिफिकेशन पे आए तो जो है अगली मॉडिफिकेशन है मेरी बीडिंग। तो ये बीडिंग जो है मैंने आफ्टर मार्केट ही डलवाई थी, जो कि मुझे 700 रुपये के आसपास की पड़ी थी। तो ये जो है क्रोम वाली बीडिंग थी, और ये क्रोम जो है आप जो आफ्टर मार्केट डलवाते हैं तो काला पड़ जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें जगह जगह से थोड़ा सा एक काला हो रहा है। तो अगर इसको कैसे साफ करना है उसकी वीडियो भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो अगली मॉडिफिकेशन जो है वो ये है सनवाइजर की, जो कि मैंने आफ्टर मार्केट ही डलवाए थे, ये भी गैलीलियो के, जो मुझे जो है पड़े थे करीब जो है 800-1000 रुपये के आसपास के। और इसी के साथ जो है ये है अपना, इसको सनशेड कहते हैं, जो कि आपको जो है गर्मी से बचाता है। तो ये सनशेड मैंने लगवाए थे, चारों विंडो के हैं मेरे पास जो है, दो मैंने भी रख रखे हैं यहीं पे और दो मैंने लगा रखे हैं। अक्सर मैं पीछे की लगा के चलता हूँ, तो बाहर से आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। ये गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है मेरी, पर वैसे जो है आपको नहीं दिखाई देगा इसमें। और अंदर से अगर आप देखते हैं तो आपको विजिबिलिटी ठीक रहती है आपको। तो इसके बाद जो है अगर अगली मॉडिफिकेशन पे चलें तो वो ये है मेरा सील गार्ड जिसे कहते हैं। ये बलेनो का ही मैंने सर्विस सेंटर से लगवाया था, शोरूम से। तो ये भी मुझे 1000-1200 के करीब पड़ा था। और इसी के साथ जो है अगली मॉडिफिकेशन में है मेरा मैट रहता है। ये मैट जो है ये भी मेरा बलेनो का है, ओरिजिनल जो है बलेनो, इसमें लिखा हुआ दिख भी जाएगा आपको, काफ़ी अच्छा है ये वैसे। और जो है ये भी मेरे को मैंने शोरूम से ही लिया था, जो कि मुझे पड़ा था 1500 रुपये का नेट। तो इसके बाद जो है कुछ एक एक्सटीरियर की मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई थी, वो मैं आपको बताऊं। तो ये जो है आगे जो है मेरी, ये आप देख रहे हो ग्रिल जो है, तो ये ग्रिल में जो है क्रोम नहीं आता है, ये मैंने डलवाई थी जो 1200 रुपये की क्रोम वाली, जो कि आपको डेल्टा वेरिएंट से मिलती है। और इसी के साथ और मॉडिफिकेशन पे जाएं तो ये आपको दिख रहा है क्रोम का जो ये पीछे लगा हुआ है, ये टॉप मॉडल में मिलता है। ये मैंने जो है शोरूम से लगवाया था ये भी, जो कि मुझे 2500 के आसपास का पड़ गया था। और इसी के साथ एक नीचे ये क्रोम आपको दिख रहा है, ये क्रोम भी मैंने जो है कंपनी से डलवाया था, और ये मुझे 700 रुपये का पड़ा था। इसी के साथ जो है एक ये कैमरा मैंने लगवाया है यहाँ पे, और जो है पार्किंग सेंसर, अभी की गाड़ी में जो है पार्किंग सेंसर मैंडेटरी हो गया, उस समय पार्किंग सेंसर नहीं आते थे। तो ये कैमरा और पार्किंग सेंसर मैंने डलवाया था, जो कि दोनों की कॉस्टिंग मुझे करीब करीब 6-7 हज़ार रुपये की पड़ी थी कंपनी से। तो भाई मैंने कंपनी से ही ज़्यादातर चीज़ें डलवाई हैं अपनी गाड़ी में जो है, आफ्टर मार्केट मैंने काम कम ही करवाया इसमें। तो भाई अगली मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये है अपना पाइनियर का सिस्टम जो है, जो कि मैंने कंपनी से लगवाया था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको ये सिस्टम, और टच स्क्रीन और चार जो है स्पीकर। तो ये मेरे को टोटल 28,000 रुपये के पड़े थे। और रियर व्यू कैमरा जो है मैं आपको दिखाऊं, बैक कैमरा इसका कैसा है। तो अभी पीछे जो है दीवार है, तो वो इस वजह से जो है दीवार ही दिखा रहा है, अदरवाइज मैं आपको कभी फिर से दिखा दूंगा इसका जो है, अगर कैमरा देखना हो क्वालिटी कैसी है कंपनी की तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें गाइडलाइंस नहीं मिलती है, सिर्फ कैमरा कैमरा है। और इसी के साथ जो अगली मॉडिफिकेशन है अपनी गाड़ी में वो है इसके सीट कवर, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं सीट कवर। तो ये सीट कवर जो है मैंने मारुति से ही लिए थे, और जो है ये सीट कवर मुझे फ्री के पड़े थे मारुति से। उसके पीछे की भी एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी क्या है कि
अगर आपको जाननी हो तो बता देना मेरे को, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये सीट कवर मैंने मारुति से फ्री में लिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई मैं अपनी गाड़ी में परफ्यूम जो है काफी रखने की कोशिश करता हूँ, तो एक परफ्यूम यहाँ भी पड़ा है अपने पास जेल वाला, और एक एमबी का यहाँ भी रखा हुआ है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरी गाड़ी में कोई भी जो है भगवान जी की मूर्ति नहीं है। ये जो है चुन्नी भी मेरी गाड़ी जब मेरी नई नई आई थी तभी मेरे दीदी ने डाली थी मेरी इस गाड़ी में। तो मैं कोई भगवान जी की फोटो नहीं रखता हूँ अपनी गाड़ी में ज़्यादातर जो है, क्योंकि जो है मैं नॉनवेज खा लेता हूँ कभी कभी अपनी गाड़ी में बैठ करके, तो जो है इसलिए मैं भगवान जी की फोटो को रखना पसंद नहीं करता हूँ। तो यही कुछ एक मॉडिफिकेशंस थी मेरी गाड़ी में। ये जो है आपको दिख रहा है शीशे के ऊपर जो है, ये मेरा बैक सेंसर का जो है, जो बैक कैमरा है मेरा उसका, यहाँ पे जो है वो दिखाता है कि कितना डिस्टेंस रह गया है। ये दिख रहा होगा आपको इसमें, तो यहाँ पे मैंने लगवा रखा है। लोग अक्सर जो है वहाँ कोने में लगवा लेते हैं डैशबोर्ड पे, पर मैं अंदर ही अंदर यहाँ से ऊपर से इसके अंदर ही अंदर वायरिंग करके यहाँ से मैंने इधर लगवाया है ये। और ये अपना माइक है इसका जो है, जब हम ब्लूटूथ से बात करते हैं कॉलिंग करते समय, तो जो है ये माइक जो है आपको दिख रहा है, ये माइक से मेरी आवाज़ जो है जाती है इसमें। तो यही कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस थी मेरी गाड़ी में जो है, कोई ज़्यादा बड़ी मॉडिफिकेशंस नहीं करवाई हुई है। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग मेरे को जो है करीब करीब जो है 28,000 इसकी, और 533, तो करीब करीब जो 40,000 रुपये में मेरी मॉडिफिकेशंस हुई थी। 33 नहीं, 40 नहीं, 45,000 के करीब मेरे को मॉडिफिकेशंस पड़ी थी, जो कि मैंने अपनी जेब के हिसाब से धीरे धीरे करके करवाई थी इसमें जो है। ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी ली और सीधा मैं मॉडिफिकेशंस करवा ली अपनी गाड़ी में जो है, तो ऐसा नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपनी जेब को देखते हुए जो है धीरे धीरे इसमें चीज़ें लगवाई, मॉडिफिकेशंस करवाई। अगर इतना ही बजट होता तो मैं डेल्टा ही मॉडल ले लेता अपना जो है। तो यही कुछ एक मॉडिफिकेशंस थी, ऑलमोस्ट मैंने सारी अपनी गाड़ी में जो जो छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस है मैंने सभी कवर कर दी है। टायर व्हील कवर लेकर के जो है आपका सिस्टम, और जो है मेरा की जो है मेरा सेंटर लॉकिंग का जो है व्हील कवर भी पीछे का जो है मैंने आपको दिखा दिया है, तो सारी मॉडिफिकेशंस कवर हो गई हैं। तो इसके अलावा और जो है इसमें ऐसी कोई मॉडिफिकेशन है नहीं गाड़ी के अंदर। जितनी सिंपल रहे गाड़ी उतनी अच्छी रहती है, तो ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कराने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इसी के साथ जो है आपको जो है अलविदा करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।